लोकल और ग्लोबल दोनों। एकदम देसी स्टाइल फूड बट विथ गोरा ट्विस्ट। ओनली ऑन एक प्लस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। इस रमजान में जहाँ बहुत सी फरमाइशें मैं कुछ पूरी करते जाऊँ, सैंडविच की फरमाइशें बहुत थी ना। वैसा क्या कौन सा सैंडविच बनाए जो कि अभी तक हमने बनाए नहीं है। यूजुअली लोगों को वो एक जो कोल्ड स्प्रेड वाला सैंडविच बनता है चिकन का, वो भी है, वो मुझे लगता है हर एक को आता है, वो बनाया है, वो भी बना लेंगे अगर नहीं बनाए। अच्छा अच्छी रेसिपी सुनो, मुझे याद भी नहीं रहा क्या क्या बने। तो मैं शाम में जब भी यहाँ से फारिग होता हूँ तो अपनी लिस्ट चेक करता हूँ क्या नहीं है, उसको फिर हम बना लेते हैं। एक मेरा बड़ा फेवरेट है वो है ग्रिल चिकन। मुझे लगता है वो बहुत आसान है और बहुत आसानी बन जाता है, उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। आई कॉल इट कम्फर्ट फूड। मुझे घर में कभी कुछ नहीं हो तो वो चीज़ रखी आपने, हल्का सा बटर लगाया, उसको कुक कर लिया आपने, चीज़ मेल्ट कर जाती है। अब उसके अंदर फिलिंग आप कुछ भी डाल दें, टिक्की की डाल दें, टिक्का मसाला डाल दें, चिकन टिक्का शेक करके, इधर वे जो भी। अच्छा मैं तो बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि वो चीज़ें जो कि आपकी बची हुई हों उसको यूज़ करें तो ज़्यादा मज़ा आता है। एक तो आसानी रहती है, आपके घर के अंदर चीज़ें होती हैं। तो मेरा अपना मानना है कि रेसिपी को लाजमी नहीं, हर रेसिपी को आप बाय बुक फॉलो करें और ख़ास तौर पर उसका एहतमाम किया जाए उस चीज़ों को लाने का। कोशिश करें आपके घर के अंदर फ्रिज में इतने लेफ्ट ओवर्स पड़े हुए होते हैं, उनसे आप बना सकते हैं। मैं एक रेस्टोरेंट में जब हम जॉब करते थे शुरू में, जब हमने बल्कि पढ़ाई की थी, तो उसमें हमें ये पता चल रहा था कि स्मार्ट शेफ का काम यह है कि वो अपने जो वेस्टेज है ना उसको कैसे यूज़ करता है। और सरप्राइजिंगली आपको एक बात बताऊँ, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं आप सूप ऑर्डर करते हैं जो कि बहुत महंगा होता है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सूप की प्राइस कोई 500-600 रुपये आती है एक सूप की, एक प्याला एक आदमी का। और सूप बनना चाहिए आपकी वेस्ट प्रोडक्ट से। अच्छा वेस्ट का मतलब ये नहीं कि कचरे से गार्बेज से निकाल के, वेस्ट का मतलब है कि आपने कोई आलू काटा, प्याज काटी, वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट के अंदर पालक कट रही है, उसको जो उसका जो ट्रिमिंग होती है, जो खूबसूरत पार्ट नहीं होता उसको आप सेव कर लेते हैं, उससे आप सूप बनाते हैं। जैसे यखनी बननी है, यखनी अब चिकन आपके पास आई है उसकी हड्डियाँ बड़ी हुई हैं, उसमें गाजर की ट्रिमिंग थी वो डाल दी आपने, गाजर की जो साइडें थी और इस तरह की चीज़ें डाल के उसको आपने उसकी यखनी बना ली। और उसके बाद जब उसकी यखनी बन गई है अब आप उससे कोई भी सूप बना सकते हैं। वो चीज़ें जो कि शेफ का ही काम होता है कि वो चीज़ें जो कि वो फेंक रहा होता है, अब वो फेंके ना तो इस्तेमाल होती हैं, वो एडेबल होती हैं, दे आर वेरी गुड। उनकी शक्ल अच्छी नहीं होती, वो सूप के अंदर वो शक्ल छुप जाती है। तो सूप का इस्तेमाल ऐसे ही होता है। तो सूप इवन सैंडविचेस के अंदर अमूमन मैंने काफ़ी ऐसे जॉब की है, हमारा ये होता था कि जो हमारे पास चीज़ें बच रही होती थी, कहीं चिकन बच गई, कुछ बच गया, तो उसको हम सैलेड में यूज़ कर लेते थे या सैंडविच में यूज़ कर लेते थे। तो अगेन आइडिया ये है कि आप अपने घर में वो जो चीज़ें आपके बची हुई हों एक्स्ट्रा हों उनको यूज़ करें, बाहर से लेफ्ट ओवर्स बहुत होते हैं। अच्छा इस रमज़ान में आई एम श्योर हर घर के अंदर हरी चटनी भी होगी, आलू भी घर में उबला हुआ होता है, तो मैं आज सोच रहा हूँ कि क्यों ना उससे एक रेसिपी बनाएं। और पिनव्हील सैंडविचेस, ये सैंडविचेस के अंदर अगेन मैं चिकन नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आप चाहे इसमें चिकन डाल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा जिस स्टेज पर डालनी होगी किस तरह से डालेंगे आप, लेकिन इसको आप बड़े मजे से बना सकते हैं। चाहे ईद पे बनाएं, ईद के बाद बनाएं, बड़ी अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी आएगी। तो वो लोग जो कि सैंडविचेस देखना चाहते थे आज उनके लिए मैं ये सैंडविच बना रहा हूँ, देखिएगा। अच्छा हम क्या करेंगे, पहले हमें बनाना है मसाला। अच्छा ये थोड़े से चटपटे सैंडविच हमारे पाकिस्तानी फ्लेवर के हिसाब से हैं ये सैंडविचेस, और थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं। जब तक ऑयल मेरा गर्म हो रहा है तो ये आधी प्याज, जब तक मेरा ऑयल गर्म हो रहा है तो ये आधी प्याज को मैं बारीक काट लेता हूँ। मसाला हमारा अच्छा बन जाए, ये बेसिकली मेरा मसाला पकाने में मदद देगी, प्याज जो है मेरा मसाला बनाने में मदद देगी। तो बहुत कम ऑयल लिया मैंने, एक टेबल स्पून ऑयल लिया, उसमें आधी प्याज वो भी छोटी वाली ये आपने शामिल कर ली, और साथ ही साथ इसको। अच्छा जी ये हो गया, अब इसी के अंदर हल्का सा आपने इसको बस कुक करना है ताकि बस प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए आपकी। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिलहाल मैं चूल्हा रोक लेता हूँ ताकि मसाले मेरे जल ना जाए। हल्के हाथ का एक चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी एक चौथाई चाय का चम्मच,
हल्दी क्यों बहुत तेज होती है, आई डोंट लाइक इट टू मच ऑफ हल्दी, बहुत तेज हो जाएगी। आधा चाय का चम्मच जीरा और आधा ही चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 ऑफ टीस्पून गरम मसाला, ज्यादा नहीं, सिर्फ खुशबू के लिए। अच्छा कुछ के गरम मसाला अच्छी क्वालिटी का हो, जरा खुशबू अच्छी आती है। अब ये लेके आपने हम वापस में बेशक हल्का सा चूल्हा ऑन कर लेता हूँ शोर से। अच्छा चूंकि इसमें आलू को डालना है और मसाले भी मेरा पक जाए, कोई मैं इसमें 2 टेबलस्पून पानी। अच्छा मुझे अमूमन देखेंगे कि मैं मसाले को पानी में पकाता हूँ, मतलब भूनता हूँ, ताकि मसाले का होता है क्या है कि हमारे मसालों के अंदर खास तौर पे जो वो चीज़ रह गई बातों बातों में, लाल पीसी मिर्चें, हमारे मसालों में लाल पीसी मिर्चें और हल्दी की तेज़ी ऐसी है जो कि नहीं जाती, उसकी खुशबू रहती है, ना तेज़ी बल्कि खुशबू। इसमें एक चाय का चम्मच आपने लाल पीसी मिर्चें शामिल कर ली और इसको आप भुनेंगे, तो ये जो कच्चापन है हल्दी का लाल पीसी मिर्चों का ये इस भुनाई में चला जाएगा, तो मेक श्योर आप अच्छी तरह से इसको भून लें। अच्छा इसमें आप इसको अच्छी तरह से आपने बस भून लेना है, लेकिन पानी से खुश्क हो गया। अब ये मसाले के अंदर मुझे आई कैन स्मेल, मुझे अच्छा अरोमा आने लगा है, वो कच्चेपन की जो खुशबू थी हल्दी की वो गायब हो गई है। वरना होता क्या है कि हल्दी की खुशबू बहुत तंग करती है, लाल मिर्चों की इतनी तंग नहीं करती थी हल्दी की कि हल्दी कच्ची ना हो। बस ये एकदम भून लें आप, आपका जब मसाला बिल्कुल खुश्क हो जाए, सीरियस बेहतरीन। अच्छा हम क्या करेंगे, ये आलू मैच पोटैटो, आलू को बस भुरता बना लेना है आपने, वो लेके इसमें डाल दें। मैं यहाँ पे तकरीबन 2 कप के करीब आलू बच जाएंगे, वो मसला नहीं है। ये आलू क्योंकि बहुत ये सूखे हैं, ये प्रॉपर मिक्स नहीं होंगे। अच्छा आलू की खूबी ये कि पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मैं इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी डाल रहा हूँ, उससे क्या होगा कि आलू हमारे अच्छी तरह से तमाम मसाले से मिक्स हो जाएगा, आलू गर्म भी हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, इतना कि आप इजीली इसको स्प्रेड कर सकें। कोशिश कीजिएगा कि आलू को अच्छा मैश कर लें, चंक्स ना छोड़ें ज़्यादा, क्योंकि हमने इसको ब्रेड में रखना है। मैं बताऊंगा आपको कि वजह यह है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा इसको चंकी रखा तो ये जब इसको हम ब्रेड में डाल के रोल करेंगे तो ये उसको फाड़ दे ब्रेड को, बस ये आपने एहतियात करना है। ज़बरदस्त ये आप देखें आलू, इससे ज़्यादा ना पकाइएगा वरना आपका आलू बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आपने हल्का सा लूज रखना है, लूज मीन्स कि हल्का सा गीला हो। आखिर में आप क्या करेंगे, चाट मसाला एक फाइनल किक के लिए। कोई अब चेक कर लीजिएगा मिर्चें कैसी हैं आपकी, ये सिर्फ खट्टापन मजा खोलने के लिए आपने चाट मसाला डाला है। बिल्कुल चूल्हा बंद करने के बाद 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, अब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और यहाँ पे आप मिक्स करके इसको रख लें। सही जी, ये आपने कर लिया, अब ये आपका फर्स्ट क्लास मसाला तैयार है। इससे सैंडविच बनाएंगे, सैंडविच चिकन क्यों नहीं है, लाजमी नहीं है कि हर चीज़ में चिकन डालें, गोश्त डालें, बगैर गोश्त और चिकन के भी आप इसको बना सकते हैं। बस इसको मैं ठंडा करूँगा ताकि हल्का सा ये मतलब मैं फैला रहा हूँ उसको, चूल्हा बंद हो गया ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अब हम असेंबल करेंगे कि हम इसको सैंडविच में कैसे यूज करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ओके जी, वेलकम बैक ऑन द शो, और सैंडविच तैयारी हो रही है। ये आलू हमारे ऑलमोस्ट ठंडे हुए हैं, ठंडे की जरूरत भी नहीं है इतना कि फैला सके इसको। अच्छा जी यहाँ मेरे पास ब्रेड स्लाइसेस, और ये हर घर में होते हैं, नहीं तो भाग के बेकरी से मंगवा लें। और इसको मैंने कवर कर दिया था ताकि ये सूखे ना हवा से। अच्छा आपने क्या करना है, इनको इन स्लाइसेस को पहले एक तो हम इसके एजेस काट लेते हैं, सही है, कम से कम वेस्ट करें। अच्छा एजेस को आप वेस्ट ना करें, इसको आप जब भी, आजकल तो बेसन हर घर में होगा, मुझे बड़ी खुफ होती है मतलब बुरा लगता है कि ये इसको आप फेंक रहे हो। अम्मा ने बचपन से कहा है भाई जाया नहीं करो, चीज़ जाया होती है, लिटरली इट्स नॉट राइट। तो आप क्या करें, इस इनको बेसन घोलें, जैसे आप पकौड़े का बेसन घोलते हैं, उनमें इसको डिप करें और तल लें पकौड़े की तरह, तो ये आपके ब्रेड पकौड़ा तैयार हो जाएगा। लेस अनदर रेसिपी बट ईजी, सही जी। तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा सिर्फ हल्का सा ब्राउन पार्ट निकाल देना, सिर्फ ब्राउन पार्ट निकालने की वजह ये
कि हम पिनव्हील्स बना रहे हैं, घूमेंगे नहीं। हाँ, अगर आप जो मैं स्टेप करने वाला हूँ नहीं, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं सैंडविच की तरह, लेकिन खूबसूरती नहीं आएगी। पिनव्हील्स में खूबसूरती अच्छी आएगी, बेसिकली ये व्हील की तरह घूमेंगे। I'll show you। सही जी, ये हम रख लेते हैं यहाँ पे, जबरदस्त। अच्छा, अब इसको आपने क्या करना है, बेलन की मदद से हर एक को इंडिविजुअली लेके आपने जरा, बीच में कहीं ब्रेड ऐसी आ जाए कोई मसला नहीं है, इसको आप मैनेज कर लेंगे। इसको आपने जरा पतला करना है, देख लीजिएगा साइडों से नहीं हो तो हल्का सा साइडों में दबा दीजिएगा वजन ये। अभी हम एक के साथ ये ऐसे यहाँ पे ओके जी, हम ऑलमोस्ट डन। इससे बता दूं कि ये बेसिकली बिल्कुल एक पतली चपाती की तरह ही आपने इसको बेल लिए। अब मैं आपको बताऊं कि जो आप बाजार में डबल रोटी खाते हैं वो ये है, और असल में ये है, इसके बीच में जो था वो एयर थी। तो बेसिकली आप हवा खरीद रहे हैं टेक्निकली देखा जाए, तो उस तरह से उसको फुलाते हैं, उसको इतना लाइट कर देते हैं। एक सवाल था, हमारी ब्रेड अभी भी बेकरी पे जाए, बेकरी की ब्रेड फिर थोड़ी जानदार होती है, आप खाएं आपको लगता है हाँ दो स्लाइस में पेट भर गया आपका। बनिस्बत जो बाजार की जो किसी फैक्ट्री की आती है, मतलब दे है फैक्ट्री, उनके पास बड़ा टेक्नोलॉजी है, केमिकल्स ऐसी चीज़ें डाल के उसको इतना लाइट कर देते हैं, इतना सा आटा इतना लाइट कर देते हैं, और लोगों को भी पसंद आती है लाइट ब्रेड। आज से भाई पेट ही नहीं भरता फादर क्या, बट अगेन ये हर एक अपना शौक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, लेट्स डू दिस। इसको हमने लिया, मैं चम्मच यूज कर लेता हूँ। पहले आपने क्या करना है, आपने इस पे अच्छी तरह से ये जो मसाला था आलू का मिक्सचर हर तरफ आ जाए, और बहुत मोटी लेयर नहीं। सही जी, ये आपने एक लेयर लगाई, उसको इवन कर ले। अब जैसे कि यहाँ पे आई थी जिसमें होल था, इस होल वाले का लाजमी नहीं है। अब इसको आपने इस पे चिपका देना है। अगर आप केचप यूज करना चाहते हैं केचप यूज कर लें, आई से कि केचप ना यूज करें। अगर आप चाहते हैं केचप यूज करना, केचप यूज कर लें, वो एक अलग फ्लेवर देगा। पिज्जा सॉस मैंने दिल से सिखाया है, पिज्जा सॉस बनाने का बहुत आसान तरीका है। अगर टमाटर को पेस्ट बना लें और उसको खूब पका लें, उसके अंदर हल्का सा आपने इटालियन सीजनिंग आती है वो डाल दें, और नमक डाल दें, काली मिर्च डाल दें, बेसिक टमाटो पेस्ट आपका पिज्जा सॉस बन जाएगा, वो ले लें। मैं किसी दिन तफसील से दिखा दूंगा आपको, और अगर है आपके पास वो ले लें। और इसको आपने अच्छी तरह से यहाँ पे लगा देना है, अगर आपके बच्चों को केचप पसंद है तो प्लीज बाय ऑल मीन्स आप केचप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसके ऊपर आप एक अदर और ब्रेड लगाएंगे। हरी चटनी हर घर में होती है, हमने 10 दफा बनाई है हरी चटनी। ये इसकी बस एक पतली लेयर है, और अगेन अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा हरी चटनी पसंद है, और ये आपने इसको चिपका दिया। अब आप क्या करेंगे, एल्युमिनियम फॉइल हर घर में है नहीं तो ले ले, या बटर पेपर होता है वो ले लें। इसको हम उस पे ले आते हैं, वो जो लंबी चौड़ी साइड है, जो ज्यादा चौड़ी है, उसको अपनी तरफ रखें। अब इसको आप इसकी मदद से घुमाते जाएं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जैसे आपने ये लिया, ये देखें, इसके साथ ही साथ मैं आपको दिखाने के लिए इसके बगैर कर रहा हूँ, लेकिन ये पकड़ा आपने, इसको रोल जितना टाइट कर सकते हैं टाइट करें, और एक बल दे के ये ऊपर से, अगर लेट्स से मेरा ये फट रहा तो आपने इसको क्लोज कर दिया। अब आपने एल्युमिनियम फॉइल से टॉफी जैसे बंद किया और टाइट कर दे। अच्छा, ये बड़े मजेदार चीज़ ये है कि इसको आप ये टॉफी बना के इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। जैसे आज आपने सुबह बना लिया, शाम में
आपके मेहमान आने, मैं आपको अगला स्टेज बताऊंगा क्या करना है। यह बना के रख लिया, फिर एक और दफा। अब ये जितने के साथ आप, जब तक आप आलू ना खत्म हो या जितना आपकी जरूरत है आप बनाते जाइए। टोमेटो सॉस और पिज्जा सॉस जिसको हम कहते हैं, या एनी अगेन कोई और फ्लेवर आपको पसंद है, लेट्स से यू वांट टू हैव, आपको बारबेक्यू पसंद है, तो बारबेक्यू चटनी के साथ अच्छा नहीं जाएगा। सॉस आलू मसाले वाले आलू हैं, आप कोई और इसके अंदर चिकन, जैसे चिकन का रेशा कर लें, इस यहाँ पे आप आलू का चिकन का रेशा डाल दें, या सिर्फ चिकन ले लें, फिर मेयोनेज़ डालनी पड़ेगी आपको, बट इसका एज अ लिमिट। एक आपने फिर लेयर लगाई हरी चटनी की, आपने चिपका दिया, फिर जो चौड़ी साइड है उसको आप अपनी तरफ करें, हल्का सा इसको आप हाथ से अंदर की तरफ दबाएंगे, ये लग सके, ये आपने किया दबाया, और ये आपने, अच्छा इससे फायदा क्या होगा, थोड़ा सा थोड़ी देर इसको आप छोड़ेंगे कोई शेप करने के लिए, आप उसे घर पे 10-15 मिनट छोड़ दें ताकि अच्छा शेप बन जाए इसका, और शेप बनने के बाद एक तो शेप का फायदा, दूसरा ये फायदा है कि इसको आप देर तक रख सकते हैं। मैंने ऐसे देर तक रख सकते हैं मतलब है कि ये फ्रिज में आराम से 6-8 घंटे में ना होता क्या है कि ड्राई हो जाता है। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको मैंने खोलना है और इसको काटना है, अंडू करते हैं, थोड़ा बहुत फटा हुआ है, डोंट माइंड, कुछ भी नहीं होगा। अब इसको आपने कोई 2-2 इंच के स्लाइसेस काट लेने, आप देखिएगा इसके अंदर, आपको दिखाऊंगा कितनी खूबसूरत इसमें लेयरिंग आएगी, डिफरेंट कलर्स जो है तमाम कलर्स शो कर रहेगा। नाइफ तेज हो, आपने वजन नहीं डालना इसके ऊपर, सही जी, हाय 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 हाय, इज़ इट लुक ब्यूटीफुल। बस आप इसको किसी भी जिस पे आपने सर्व करना है उस पे इसको आप रखते जाएं, टमाटो सॉस या पिज्जा सॉस है सही, इसका सर्व करें। मेहमान आ रहे हैं, आपने रैप अनरैप किया, उसको स्लाइस किया और रख दिया, ये ड्राई भी नहीं होंगे, बहुत मजेदार बनेंगे। तो मुझे बताइएगा कि आपने रेसिपी बनाई कैसी लगी, नाइस कलर्स नजर आ रहे हैं, लुक देख के बाप टेम्पटिंग लगेगा कि ये क्या है खाना है, आई एम श्योर दे एंजॉय इट आल्सो। इजाजत लेके इस वादे के साथ के फिर मुलाकात होती है इसी शो पे, टिल देन अल्लाह हाफिज़।